हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में टेबल डिजाइन को। टेबल डिजाइन के मेथड से जब आप टेबल डिजाइन करते हैं तो आप क्रिएट मेन्यू में टेबल डिजाइन पे क्लिक करेंगे। यहां आपके पास एक टेबल बना हुआ आ गया है जहां पर दो कॉलम्स आपको में नजर आ रहे हैं। फील्ड नेम, यहां पर आपने टेबल के फील्ड या एट्रीब्यूट के नेम लिखेंगे। डेटा टाइप, यहाँ पे डेटा टाइप चूज करेंगे और नेक्स्ट है आपकी डिस्क्रिप्शन। ये स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल मेरे पास मैं स्टूडेंट्स का टेबल बना रहा हूँ। यहाँ फर्स्ट फील्ड है रोल नंबर, इसकी डेटा टाइप क्या चूज करेंगे? इसकी डेटा टाइप या तो नंबर होगी या ऑटो नंबर होगी। फॉर द टाइम बीइंग मैं इसे ऑटो नंबर चूज करता हूँ। नेक्स्ट इज स्टूडेंट नेम। ये स्टूडेंट्स इसके लिए डेटा टाइप चूज करते हैं शॉर्ट टेक्स्ट, फादर नेम। यहां पर डेटा टाइप चूज करते हैं शॉर्ट टेक्स्ट, डेट ऑफ बर्थ। यहां पर डेटा टाइप चूज होगी डेट एंड टाइम। एड्रेस, यहाँ पे हम डेटा टाइप चूज करेंगे लॉन्ग टेक्स्ट, जिसमें हम टेक्स्ट विद नंबर्स मेंशन कर सकें। एड्रेस के बाद हम चूज करते हैं फोन नंबर। इसका फॉर्मेट आप नंबर रखेंगे। फोन नंबर के बाद ईमेल, फॉर्मेट होगा लॉन्ग टेक्स्ट। आपने स्टूडेंट की डिटेल्स किसी और फाइल में रखी हुई हैं तो उसके लिए फॉर्मेट होगा आपकी डेटा टाइप चूज करेंगे हाइपरलिंक। सिमिलरली आप स्टूडेंट की पिक्चर लगाना चाहते हैं उसके लिए डेटा टाइप चूज करेंगे ओएलई ऑब्जेक्ट। सिमिलरली कोई मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है जैसे जेंडर, क्लास, इसमें दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज हों उसके लिए डेटा टाइप चूज करेंगे लुकअप विजर्ड। I will type in values that I want. यहाँ कॉलम वन में मैंने जेंडर के लिए लिखा मेल, फीमेल, नेक्स्ट एंड फिनिश। फर्स्ट फील्ड को डियर स्टूडेंट्स आप ये कॉर्नर पे माउस को रख के क्लिक करेंगे और डिजाइन बार के अंदर प्राइमरी की पे क्लिक करेंगे ताकि इसे एज अ प्राइमरी की डिफाइन किया जा सके। टेबल को क्लोज करेंगे और सेव करेंगे। टेबल को नेम दिया, ओके किया, आपका टेबल सेव हो गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, राइट क्लिक, डिजाइन व्यू। मैं इसमें कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर रोल नंबर की टाइप मैंने ऑटो नंबर रखी है। ऑटो नंबर मींस कंप्यूटर इसको ऑटोमेटिकली नंबर असाइन करेगा 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन सीरियल के हिसाब से, बट मुझे मेरी चॉइस का नंबर देना है। इस पर्पज के लिए मेरे पास यहाँ नीचे दो ऑप्शन हैं, जनरल एंड लुकअप। जनरल के अंदर मैं चेंजेस करूंगा जिसकी मदद से यहां मैं अपनी चॉइस का रोल नंबर दे सकता हूं। मिसाल के तौर पर मेरे पास यहां प्रॉपर्टीज हैं फील्ड साइज, के अलावा न्यू वैल्यूज, फॉर्मेट, कैप्शन, इंडेक्स्ड और टेक्स्ट लाइन। फील्ड साइज आप इसका रखेंगे लॉन्ग इंटीजर, न्यू वैल्यूज आप इंक्रीमेंट को यूज करेंगे। इंक्रीमेंट मीन्स इंक्रीज करे, रैंडम का मतलब है कि डिफरेंट किस्म के हों, हमें इंक्रीमेंटल चाहिए यानी कि फर्स्ट, फर्स्ट के बाद सेकेंड एंड इस तरह तरतीब में। नेक्स्ट इज फॉर्मेट कैसा हो। डियर स्टूडेंट्स, यहां मैंने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है, मैंने फॉर्मेट को कॉपी किया और यहां पे पेस्ट किया। इस फॉर्मेट में मैंने लिखा डबल कोट्स पिक्ड मेरी एकेडमी का नाम माइनस डबल कोट क्लोज स्लैश 09000। अब मेरे फर्स्ट स्टूडेंट का रोल नंबर होगा 9000, पिक्ड 9000। सेकंड स्टूडेंट का नंबर होगा पिक्ड 9001। थर्ड स्टूडेंट का होगा पिक्ड 9002। कैप्शन, कैप्शन यहां पे आप जो देंगे वो नेम आपके टेबल में इस फील्ड के लिए डिस्प्ले होगा।
मैं यहां पे देता हूं स्टूडेंट रोल नंबर, इंडेक्स्ड यस करेंगे। इंडेक्स में आपके पास दो कंडीशंस हैं, यस या नो। यस मींस के रोल नंबर आए और उसकी कोई डुप्लीकेट वैल्यू ना हो, यानी कि पिक्ड 9001 अगर असाइन हो गया तो किसी दूसरे स्टूडेंट को पिक्ड 9001 असाइन नहीं करेंगे। सिमिलरली अगर आप इसे नो करेंगे या यस विद डुप्लीकेट्स करेंगे तो वो डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ करेगा। नेक्स्ट इज टेक्स्ट अलाइनमेंट, लेफ्ट राइट सेंटर कहीं भी इसे अलाइन कर सकते हैं। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, आपके हर फील्ड की प्रॉपर्टीज होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप टेक्स्ट को, शॉर्ट टेक्स्ट को डेटा टाइप के तौर पर चूज करते हैं तो शॉर्ट टेक्स्ट का फील्ड साइज 255 है, यानी कि इसके अंदर आप 255 से ज्यादा अल्फाज नहीं लिख सकते। शॉर्ट टेक्स्ट का जो फॉर्मेट है वो नॉर्मली टेक्स्ट फॉर्मेट ही होता है। इनपुट मास्क, यानी कि आप हर स्टूडेंट के नाम के साथ मिसाल के तौर पर सर मैडम लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे वो इनपुट मास्क दे देंगे। कैप्शन, वो नाम जो उस फील्ड के लिए टेबल में डिस्प्ले होगा, और इस तरह इस फील्ड की प्रॉपर्टीज आपके सामने आ गई। सिमिलरली डेट एंड टाइम, यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स डेट ऑफ बर्थ के लिए हम इस फील्ड को थोड़ा चेंज करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास इसका फॉर्मेट, इसका इनपुट मास्क, इसका कैप्शन हम चेंज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इसकी डेटा डेट टाइप हम चूज करेंगे, डेटा टाइप डेट एंड टाइम। इसका फॉर्मेट होगा शॉर्ट डेट, यहाँ आपके पास लॉन्ग डेट है, शॉर्ट डेट है, मीडियम डेट है, जनरल डेट है। शॉर्ट डेट का मतलब है कि मंथ, डेट और ईयर इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। लॉन्ग डेट का मतलब है कि डे का नाम भी लिखा हुआ हो, मंथ का नाम भी इंग्लिश में लिखा हो, आगे ईयर नंबर लिखा हो। मुझे शॉर्ट डेट चाहिए, मैंने चूज कर लिया। इनपुट मास्क, इनपुट मास्क में आप डिफाइन करेंगे कि आपको कैसे शॉर्ट डेट चाहिए। यहां मैंने डिफाइन किया हुआ है 99 फॉर डे / 99 फॉर मंथ / 4 जीरोस : 0 : दिस फॉर्मेट इज फॉर डे मंथ ईयर, पहले डे फिर मंथ और फिर ईयर इस फॉर्मेट में लिखा हुआ आएगा। ये फॉर्मेट ये स्टूडेंट्स आप यहां से इनपुट मास्क के अंदर जाके चूज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये फॉर्मेट चूज करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट एंड फिनिश, तो ये ऑटोमेटिकली आपका फॉर्मेट आ गया। कैप्शन क्या देंगे इसे, डेट ऑफ बर्थ को, कि कैप्शन डेट ऑफ बर्थ ही होगा। डिफॉल्ट वैल्यू वैलिडेशन रूल इनको चेंज करने की जरूरत नहीं। एड्रेस में आपने लॉन्ग टाइप चूज किया, यानी कि जिसमें आप टेक्स्ट विद नंबर सब कुछ लिख सकें, इसको मेमो भी कहते हैं। फोन नंबर के लिए आपका फॉर्मेट है नंबर। इनपुट मास्क में अगर आप कोई फॉर्मेट डिफाइन करना चाहते हैं तो आप वो डिफाइन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है ईमेल, लॉन्ग टेक्स्ट डिटेल्स, बाकी फील्ड्स को हम चेंज नहीं करेंगे। एंड रोल नंबर को हम प्राइमरी की असाइन करेंगे, के बाद इसे क्लोज करेंगे, यस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज डिजाइनिंग द टेबल इन टेबल डिजाइन। थैंक यू वेरी मच।